ये देखो ऐसे बड़े बड़े गट्टे बना रखे हैं, और मतलब कईयों को तो सही में नीड होती है, ज़रूरत होती है, लेकिन कई तो यहाँ पे बेचे भी जाते हैं। तो यहाँ तो मतलब बाघ हाथी का भी डर हुआ है। अब लेकिन देख रहा हूँ आजकल हादसे कैसे हो रहे हैं, फिर सभी ये कहते हैं आदत है, बाद में कुछ हो ही जा रहा है। आदत है ये जमे के, पहले नहीं तो आ रही है, 10 साल पहले तो आ रही है यहाँ, कहीं जाए पर अब तो यहाँ बहुत जानवर आ गया। बहुत जानवर आ गया ना, वही कहीं भी हो सकता है, जैसे सावधानी से ही जाना चाहिए आपको भी ना। ज्यादा डर आज तक तो नहीं थी, डर अब है। वही तो कह रहा आंटी, आप भी ना कभी अंदर मत जाना बस, अकेले तो बिल्कुल मत जाना, कुछ नहीं होगा करके ना। अभी देखो ये ढेला पे कितना मार दिया, अभी और पटरानी में मार दिया, आई मार ही है। परसों शनिवार को तो सबको चूल्हे के लिए चाहिए होता होगा, ये बेचते भी आ गए। हाँ, बेचते भी चूल्हे में जाए। बेचते किस हिसाब से? आजकल भी नहीं, वो ये ज्वाल के टाइम में ना खेले खिलौने में लोग बहते हैं, मिठाई उठाई उस टाइम। जैसे हमें 20 किलो चाहिए तो मिल जाएगी? हाँ। क्या रेट है? वैसे हम बाजार में तो हम ये 500 रुपये क्विंटल लेते हैं। 500 रुपये क्विंटल। तो जी अब ढलान तक तो लग गए हम, चलो स्पीड बनने देना। एक दो तीन, जोर से चलो। हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोग के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और मैं भी सही हूँ। तो अभी मैं आया हूँ रामनगर के कोसी बैराज में, और यहाँ पे हम थोड़ा सा बर्ड वॉचिंग कर रहे हैं, और ये आपको दिख रही है रोडी सेल डेक, ब्राह्मणी बतख जो रिवर के उस साइड है, और उसको अभी हम अपने कैमरे से फिल्मा भी रहे हैं। और जी बाकी अपडेट ये है, कल हम बात कर रहे थे जो टाइगर का रेस्क्यू होना है उसके ऊपर, और मैंने थंबनेल में ऑलरेडी आपको डाला भी था कि आज पकड़ा जाएगा, तो हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो टाइगर कल रात 2 बजे के समय ट्रैंकुलाइज कर लिया गया, और जो मुझे वहाँ पे पता भी चला था जब मैं ग्राउंड जीरो में पहुँचा था कि 2 बजे पकड़ा जाएगा, तो ये बात इसलिए इतनी कंफर्म से मुझे पता चली क्योंकि उसकी मूवमेंट लास्ट नाइट भी हुई थी, और वो आया था केज के पास, केज के समीप, और किल के चक्कर में, और ये रात भी वो किल के चक्कर में दोबारा से आया, और वहीं इसको ट्रैंकुलाइज कर लिया गया, और फिर इसको वापस रखने में बहुत टाइम लगा, 40-45 मिनट का टाइम लगा। तो लोग बाग पहुँचे थे, जो मसाल वगैरह बनी हुई थी वो मसाल वगैरह जलाई गई, और उसके बाद उसको ट्रैंकुलाइज करने के बाद रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया। फिर से एक टाइगर पकड़ा गया और रेस्क्यू सेंटर भेजा गया। और पता नहीं, फिर भी ये कंफर्म नहीं है कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आगे होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए ये तो चलता ही रहेगा, अगर जब तक हम लोग अब सावधानी से जंगल जाते रहेंगे, क्योंकि जंगल में बाघ है, उसका घर है, और अगर हम उसके घर पे जा रहे हैं और कभी आमना सामना हुआ तो उसका दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है। तो विनती वही है सभी से कि सावधानी से जाइए, ग्रुप में जाइए, अलग ना होइए, झुंड बना के रहें, ताकि ऐसे हादसे दोबारा रिपीट ना हो।
क्योंकि देखिए हम ग्राउंड जीरो में जाते हैं, ऐसी जगहों में जाते हैं तो आसपास के इलाके में भी देखते हैं, और ये भी समझ में आता है कि कहीं ना कहीं सावधानी ना बरतने के चक्कर में ऐसे हादसे होते हैं। तो जैसे अभी हमने ये आपको ये बर्ड दिखाई, ब्राह्मणी बतख रूडी सेल्डेक, जो कि सुदूर हिमालय से हमारे रामनगर में आती है और अपना शीतकालीन विंटर माइग्रेशन में आती है, क्योंकि जो इनका घर होता है वो एकदम बर्फ़ से ढक जाता है, जो पानी होता है लेक होता है वो एकदम फ्रोजन हो जाती है, बर्फ़ की चादर उसके ऊपर बन जाती है। तो इस वजह से ये दूर हिमालय की तरफ आती है और यहाँ अपना रेस्टिंग पीरियड करती है। तो यहाँ तो हम यहाँ पूरा संरक्षित किया जाता है, और यहाँ पे तो बहुत स्ट्रिक्ट कानून है, ऐसे बर्ड्स को कोई छेड़खानी ना हो, पत्थर वत्थर ना माने, लेकिन कई जगह है ऐसी भी जहाँ पे लोग इन बर्ड्स को पोचिंग करते हैं, जो कि एकदम बहुत गलत है। ये कहीं से हमारे शहर में आती है और एक तरीके से हमारी मेहमान बर्ड्स हैं और इनको हमें संरक्षित करना चाहिए, है ना। प्रकृति का अनमोल तोहफा है। तो जी मॉर्निंग का टाइम है और देखिए सुबह का नज़ारा। तो जी ये रास्ता जा रहा है आपका सीतावनी। तो जी ये है टेढ़ा चौकी। तो जी ये रास्ता सीधे जाता है भंडार पानी पाटकोट सीतावनी जोन में। तो जैसे कि आपको अपडेट हमने दिया था कल की वीडियो में, मैं जस्ट बोल रहा था कि आज जहाँ तक है पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी जो हमारे साथ थे फॉरेस्ट के भी थे और कुछ गांव वाले थे उनसे मुझे प्राप्त हुई कि आज, मतलब उनका कहना तो ये था कि 100% पकड़ा जाएगा टाइगर यहीं पे, क्योंकि लगातार कॉलिंग वॉलिंग वहीं पर उसी एरिया में हो रही थी और किसी एक सीमित दायरे में टाइगर था, और जो कि अपने किल पे मतलब जो रखा गया था और जो कपड़े थे कला देवी जी के, तो उस पर वो एक दिन पहले भी आया था और कहीं ना कहीं से उसकी जो मन था, जो लालसा थी, वो अपने शिकार पे ही थी और वो बार बार उसकी ताक में ही वहाँ बैठ गया था पास में। तो दोबारा जब वो पहुँचा तो जो गाड़ी में टीम बैठी थी ट्रैंकुलाइज करने की, जो डॉक्टर बैठे थे, उन्होंने उसको ट्रैंकुलाइज कर दिया। तो अब ये देखा जाएगा, अब ये जांच होगी, तो ये चेक किया जाएगा कि ये वो सेम टाइगर है जिसने ढेला पे अटैक किया था कला देवी जी पे, और उससे पहले पटरानी में अनिता देवी जी और हाथी डागर पूजा देवी जी, जो कि सस्पेक्ट है, वो चेक किया जाएगा। अगर ये सस्पेक्ट निकला जाएगा तो इसको रेस्क्यू सेंटर ही रहना पड़ेगा आजीवन, या फिर उसके अलावा कहीं जो में भेजा जाएगा। और अगर सस्पेक्ट नहीं होता है तो क्या पता छोड़ा जाए। वैसे तो मतलब माना यही जा रहा है कि यही सस्पेक्ट है जिसने ढेला पे अभी कला देवी जी पे अटैक किया था, और ये भी पता चला है कि इसकी उम्र मतलब ओल्ड नहीं है, 3 से 4 साल बताई जा रही है। हालांकि ये अब मैं जो कंफर्म है वो जब पुष्टि हो जाएगी ऑफिशियल तभी बता पाऊंगा, लेकिन ये अंदाज़ा इस पे लगाया गया है उम्र का,
और बाकी मेल टाइगर हैं। अब लेकिन ये चैप्टर तो क्लोज हुआ, जो गांव वालों की मांग थी, जो सबकी मांग थी वो पूरी करी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने और इसको पकड़ा गया। हालांकि आक्रोश तो बहुत ज़्यादा था और इसको मारने की भी बात चल रही थी। अब लेकिन यह है कि आने वाले टाइम में कॉन्फ्लिक्ट कैसे कम किया जाए, क्योंकि हम जब उस इलाके में गए थे तो आसपास के लोगों से हमने बात करी थी, उनका कहना था कि बाघ बहुत है। तो लेकिन उसके बाद सावधानी बरतनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे स्कूल जाते हैं उस इलाकों में पैदल पैदल, जो कि हमने एक वीडियो बनाई है वो आपको शेयर करेंगे हम, पटरानी विलेज की, 3 नंबर 2 नंबर 2.5 नंबर 7 नंबर और कारगिल गांव, उसमें हमने थोड़ा सा कवर किया है। तो वहाँ काफ़ी बच्चे और लोकल लोग पैदल ही जाते हैं और अकेले भी जाते हैं, ग्रुप में भी जाते हैं। हालांकि हमने बोला भी था कि ग्रुप में जाना चाहिए स्कूल वालों को काफ़ी, लेकिन कई बार मजबूरी हो जाती है, कोई लेट हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, तो इस पर कुछ विकल्प शासन प्रशासन ने लेके आना चाहिए। हालांकि हमने ये भी सुना कि अभी कुछ घसियारी योजना की बात चल रही है सीएम के द्वारा, कि गांव वालों को मुहैया कराई जाएगी, जहाँ पे जो लोग ज्वलनशील लकड़ी और घास के लिए जंगल जाते हैं उनको सरकार ये सब मुहैया करवाएगी या सब्सिडी देगी। तो उस पर मैं ये कहूँगा कि जल्द से जल्द कानून आना चाहिए और जितने जल्दी हो आना चाहिए, और उसके बाद ऐसे जंगल जाना एक तरीके से स्ट्रिक होना चाहिए और गैरकानूनी तो खैर है ही अभी भी, लेकिन यह है कि अभी भी ये है कि प्रशासन गांव वालों के साथ मिल के रहते हैं, तो चलो ऐसा है करके कोई वो नहीं है। लेकिन जब ये योजना आ जाएगी, जब उनको सरकार मुहैया कराने लग जाएगी, तो उसके बाद यह है कि गांव वाले भी जब उनकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी तो क्यों जाएंगे, वो सही बात है। लेकिन यह है कि जल्द से जल्द वो चीज़ लेके आनी चाहिए ताकि कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जाए। ये चीज़ हमने नेपाल में देखी थी, नेपाल की प्रशासन बहुत टाइम से ये चीज़ करती है, लोगों का जंगल जाना उन्होंने एकदम बैन कर रखा है, और जो चीज़ उनको मुहैया होनी होती है वो करवाई जाती है। तो यहाँ पे भी देखिए अभी फॉरेस्ट फायर हुई है, तो जितने आपको झाड़ी वाड़ी दिख रही है सब एकदम पूरा क्लीन दिख रहा है। विजिबिलिटी देखिए मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। अब लेकिन ये है कि गांव के आसपास और जंगल के आसपास वाले इलाकों में ना एक तो बहुत बड़ी समस्या है, लैंटाना की झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उससे, तो सरकार भी उससे परेशान है उसको निकालने में, क्योंकि उसको जितना निकालो अगर जड़ से नहीं निकाला तो वो फैलती रहती है एक तरीके से, पता नहीं शराब सही हो किसी काम की तो नहीं है, लेकिन यह है कि उससे नुकसान बहुत ज़्यादा है, पूरा एरिया कवर कर लेती, घेर लेती है, बहुत जल्दी से फैलती है। जानवर वगैरह उसमें छुप जाते हैं और वो इतनी ज़्यादा झाड़ियाँ होती है घरों के आसपास, जंगलों के आसपास, रस्तों के आसपास, तो वो भी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। ये रात का ही चला हुआ है, ये रात का होगा अभी का, हाँ मतलब सुबह गई कुछ टाइम पहले गई है, फ्रेश है एकदम फ्रेश। कहाँ से आया हुआ है? आगे ग्रासलैंड आएगी वहाँ तक, देखते क्या होता, वहाँ हाथी मिल जाए हमें, और इसी रूट के बाद जो गाड़ी पे हमला किया था हाथी ने, तो ये आगे आ गया है सीतानी का ग्रासलैंड। तो अभी तो यहाँ झाड़ियाँ भी देखो एकदम ख़त्म है, ये बगीचा सा दिख रहा है, इसके आगे जस्ट आपका रिवर आ जाती है, तो इस एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट रहती है टाइगर की, हाथियों की।
बाकी देखिए जो जंगल के पास गांव होते हैं ना उनके आसपास भी झाड़ियाँ नहीं होनी चाहिए, तो उनको इस चीज़ का विशेष कर ध्यान देना चाहिए कि घरों के आसपास पूरा क्लीन हो, बहुत दूर तक विजिबिलिटी रहे। और ये देखिए ये आ गया अपना वन ऑफ द फेवरेट जो ये पेड़ है ना, मतलब ये देखिए एकदम क्या खूबसूरत लगता है ये जंगल। लेकिन हाथी की मूवमेंट इस एरिया में बहुत ज्यादा है, तो रात के टाइम में यहाँ पे अलाउ नहीं कर रखा है। और अभी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है उसमें यह आया है कि प्राथमिक जांच में तो ये टाइगर वही प्रतीत हो रहा है जो कला देवी जी को अटैक करा जिस टाइगर ने, क्योंकि उसी जगह से इसको रेस्क्यू किया है। जैसे कि हमने आपको बताया भी था कि पिंजरे के पास वो पहले भी आया था और उसी टाइम में इसको दोबारा जब आया तो ट्रैंकुलाइज कर लिया गया। अब लेकिन जांच के बाद ही कंफर्म स्टेटमेंट आएगी, तो अभी तो यही मान के चल रहे हैं कि किसी ने अटैक किया है, लेकिन जाँच के बाद ऑफिशियली ये प्रूफ होगा कि ये वही टाइगर है या नहीं। तो ये है कि जो बिहेवियर चेंज हो रहा है वो एक मुख्य कारण भी बताया जा रहा है कि जो इंसानों का दखल है जंगल में ज़्यादा, पहले एक तो, और दूसरा जो टाइगर की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई है तो इनकी आपसी फाइट, आपसी संघर्ष, टेरिटोरियल फाइट भी एक कारण है। और बाकी ये है कि विंटर का टाइम है, विंटर में हमेशा देखे जाते हैं 80% 85% पास्ट में जो भी टाइगर अटैक होता है वो विंटर के टाइम में ज़्यादा देखे जाते हैं। इस टाइम में उनका एक तो मेटिंग पीरियड भी चल रहा होता है और मेटिंग पीरियड में वो बाघिन के साथ रहना पसंद करते हैं, तो उस टाइम में कोई दखल अंदाजी होती है। बाकी अब जैसे गर्मी आने लग जाएगी तो उस टाइम में जो टाइगर है वो पानी में रहना पसंद करता है, रिवर साइड में या फिर अपना वाटरफॉल पे, तो उस टाइम में लोगों को सावधानी ये बरतनी है कि पानी के आसपास वाले एरियों में नहीं जाना है। जंगल के किनारे जो नदियाँ होती है या फिर जो वाटरफॉल होता है उसके आसपास ना जाए। डर नहीं लगती? क्या करे, डर लगता है भी, यहाँ तो काम तो करना ही है। हाँ यहाँ तो बाघ भी वैसे ही एक बार इंसान पे भी वो कर रहा था, रिस्क तो हुआ ही, रिस्क हुआ ही। हाँ काम भी तो जंगल से ही है। तो हाँ जी, हाँ जी, तो ये भी सही है। तो देखिए जी काम तो करना ही हुआ, रिस्क तो है ही। ऐसा नहीं है कि लोग अवगत नहीं है खतरों से, भली बात ही आके गांव वाले अवगत रहते हैं। और जी ये आ गया टेढ़ा विलेज, तो इसी एरिया में अभी कुछ टाइम पहले ही, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है,
एक हाथी ने भी महिला पे भी अटैक किया था, और कुछ टाइम पहले आपने इसी रोड में देखा होगा वो एक टाइगर जो सफारी पे एकदम चार्ज कर रहा था मॉक चार्ज। और जी कॉन्फ्लिक्ट कम करने के लिए जल्दी कोई निर्देश आने चाहिए प्रशासन की तरफ से, और जो गांव वालों को सुविधा मुहैया करवानी चाहिए ताकि उनकी जो डिपेंडेंसी है जंगल से वो कम हो। अदरवाइज ये चलता रहेगा भाई, इसका कोई रोक नहीं है। और टाइगर अटैक के जैसे एक तो सारे जितने होते हैं ना जंगल के आसपास ही होते हैं, जंगल में ही होते हैं मतलब मैक्सिमम, तो वही है कि हमें ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो उसमें एक निर्देश भी दिया था अभी कॉर्बेट के कि भैया बाघ को समझाया नहीं जा सकता है, समझाया जाता जा सकता है बस इंसानों को, तो उनको ही सावधानी बरतनी चाहिए। तो बात भी सही है। तो अभी देखिए सब पक्ष में बाघ मारो के पक्ष में आ गए थे, लेकिन ये कोई नहीं देखते कि जब इंसान जाते हैं जंगल में तो जंगल बाघ का घर है, तो वहाँ पे गांव वालों को भी प्रोटेक्शन देनी चाहिए जो महिलाएं जा रही है उनको, कोई पुरुष भेज के साथ में जो निगरानी करें, है ना। और छोटे छोटे बच्चे पैदल स्कूल जाते हैं अकेले, तो उनके साथ भी कोई बड़े घर से कोई लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वही है कि सावधानी होगी तो ऐसे हमले कम हो सकते हैं, कम किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हमलों को कम नहीं किया जा सकता भाई, टाइगर अटैक को कम किया जा सकता है। तो जी अभी हम आ गए हैं क्यारी के फॉरेस्ट में, तो यहाँ भी लकड़ी वगैरह भी नहीं जा रही है। अरे आंटी जी कहाँ से आ रहे हो, कहाँ के रहने वाले हो आप? पूछड़ी के। पूछड़ी कहाँ? यहीं रामनगर में। अच्छा अच्छा हाँ। तो अभी यहाँ बाघ वाघ घूमते पता होगा ना आपको? हाँ। हाथी भी है? हाँ। तो अंदर को तो नहीं जा रहे हो ज्यादा? नहीं यहीं से निकाली है। हाँ खतरा है थोड़ा, ध्यान रखना ना। ठीक है। तो अभी जो ये कटान वगैरह हो रखा है विभाग के द्वारा, तो उसमें से जो लकड़ी है उनको बिन के ले जा रहे हैं, और मैंने जैसे पूछा कि वो कह रहे हैं अंदर नहीं जा रहे, अंदर खतरा भी है। तो यार हम तो बस ये है कि बोल सकते हैं, अब जो करना है वो उन्हीं को करना है। देखिए हम खुद हम गाड़ी में हमारा वैसे ही आप कहेंगे कि कहने का क्या मतलब है, लेकिन ये है कि एक अवेयरनेस अपनी ओर से तो हम बता ही सकते हैं कि ऐसा ऐसा है कि नहीं। बाकी देखिए इस एरिया में आए दिन हम सुनते आ रहे हैं कि बाघ टाइगर कई बार कई लोगों ने देखे हैं क्यारी के जंगल में, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो यहाँ से जहाँ आगे तक रिजॉर्ट जाते हैं पूरा घना जंगल है। हालांकि ये चीज़ है कि मैं मानता हूँ कई लोगों का कहना है कि जीवन का जीवनचर्या का एक माध्यम है जंगल जाना गाँव वालों का, लेकिन जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं या अक्सर देखते हैं मतलब बहुत लोग जाते हैं, बहुत लोग समझ रहे हैं मतलब कि मतलब काफ़ी डीप डीप जंगल के अंदर जा रहे हैं। जैसे अभी इन्होंने बोला कि ये ज़्यादा अंदर नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पे देखिए ये निगम वाले अपना वो भी लगा के
वहाँ भी गांव वाली है। तो ये वन निगम की ओर से हो रहा है। तो यहाँ तो मतलब बाघ हाथी का भी डर हुआ है। अब लेकिन देख रहा हूँ आजकल हादसे कैसे हो रहे हैं, फिर सभी ये कहते हैं आदत है बाद में कुछ हो ही जा रहा है। आदत तो है ही, जन्म से पहले नहीं तो आ रही है, 10 साल पहले तो आ रही है, यहाँ कहीं जानवर, अब तो यहाँ बहुत जानवर आ गया, बहुत जानवर आ गया ना, वही कहीं भी हो सकता है, जैसे सावधानी से ही जाना चाहिए आपको भी ना। ज्यादा डर आज तक तो नहीं थी, डर अब है। वही तो कह रहा आंटी, आप भी ना कभी अंदर मत जाना बस, अकेले तो बिल्कुल मत जाना, कुछ नहीं होगा करके ना। अभी देखो ये ढेला पे कितना मार दिया, अभी और पटरानी में मार दिया, आई मार रही है परसों शनिवार को। तो ये सारे ग्रुप आप ही के साथ आए, मतलब सब कोई शहर में रहते हैं? अच्छा, मतलब हम तो यही गाँव में रहते हैं। अच्छा, जहाँ से रोड यहाँ को आए। अच्छा, तो सबको चूल्हे के लिए चाहिए होता होगा। हाँ। या बेचते भी आ गए? हाँ, बेचते भी हैं, चूल्हे में जाए। बेचते किस हिसाब से? आजकल भी नहीं, वो ये ज्वार के टाइम में ना खेले खिलौने में लोग बहते हैं। मिठाई उठाई उस टाइम, जैसे हमें 20 किलो चाहिए तो मिल जाएगी। हाँ। क्या रेट है? वैसे हम बाजार में तो हम ये 500 रुपये क्विंटल लेते हैं। 500 रुपये क्विंटल? हाँ। ठीक है सर, सावधानी बरतिएगा थोड़ी। तो जी ये है, वही है ना, लोगों की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है और आय का भी ये स्रोत कई जगहों पे हो रखा है, लकड़ी बेची जाती है। मैं कई बार ये कहता हूँ चीज़ें, और मार्केट में ये चीज़ें मुहैया भी कराई जाती है, तो जैसे रिजॉर्ट वगैरह है या बाकी और जगह है वहाँ पे मिलता है। अब आगे छोटा बच्चा भी है, बताओ। बहुत लोग है भाई, मतलब कम से कम 50 से ऊपर लोग है। अभी तो और भी होंगे अंदर के। हाँ, अंदर भी गए होंगे ना, ये तो बार के दिख रहे, काफी अंदर को भी दिख रहे दूर वहां पे। अब भाई कोई है ही नहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी, कोई देखने वाला, कोई कुछ नहीं है। स्ट्रिक्ट कानून होना चाहिए भाई साहब, अभी कुछ हो जाएगा उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी हो जाएगी, सब भड़क के आ जाएंगे। ये देखो ऐसे बड़े बड़े गट्टे बना रखे हैं, और मतलब कईयों को तो सही में नीड होती है, जरूरत होती है, लेकिन कई तो यहाँ पे बेचे भी जाते हैं। और मतलब सबसे बड़ा जो बाजार है वो यहाँ रिजॉर्ट वगैरह है, यहाँ की मार्केट और होटल वगैरह भी है जहाँ पे बॉनफायर वगैरह होती है, तो उसकी भी जाँच होनी चाहिए, जहाँ जहाँ ये बॉनफायर के लिए लकड़ी मंगाई जा रही है, पैसों में खरीदी जा रही है, तो कहीं ना कहीं उनसे किसी ना किसी व्यक्ति की जान भी जोखिम में जा रही है और ऐसे हादसे के शिकार भी हो रहे हैं। अब ऐसे जैसे मतलब काफ़ी लोग आ रखे ग्रुप में ना सब, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा बढ़ जाता है, और थोड़ा थोड़ा क्या होता है ना, अलग लकड़ी के लिए थोड़ा दूर चले गए, थोड़ा दूर चले गए, थोड़ा दूर चले गए, तो अपने समूह से जब कोई अलग हो जाता है ना, और ऐसे में क्या होता है कि कई बार जंगल के आसपास टाइगर बैठा होता है, वो अपना आराम कर रहा होता है, लेकिन कोई आता है ना उसके पास हलचल हो जाती है जब पाँव से चलने की, तो टाइगर तो दूर से ही फील कर लेता है, दूर से ही महसूस कर लेता है, तो वो अपना शिकार समझता है कि मेरा शिकार आ गया है। अब भाई साहब जंगल है, जंगल में उसको हलचल लगेगी तो उसका क्या है, जो उसकी मूंछ होती है जो टाइगर की, वो एकदम इस चीज़ को फील कर लेती है कि कोई उसके आसपास है, और जब पाँव से चलने की आवाज़ आती है तो उसको वही लगता है कि डियर वियर है, तो वो अपने शिकार के लिए चलता है और वहाँ जाता है और एकदम अटैक कर देता है, तो फिर देखा जाता है तो वहां इंसान है। अब बताओ गलती किसकी।
ये बताओ कि जैसे टाइगर को पता नहीं चलता है कि वो इंसान है, उसको दिखता तो होगा उस टाइम पे तो। यार भाई देख, वो जंगल में है ठीक है, और वो आराम कर रहा है, हलचल हुई, हलचल से उसको फील हुआ कि उसका शिकार आ गया। अब उसको ये थोड़ी पता है कि इंसान को नहीं मारना है, वैसे तो वो यूजुअली नहीं मारता है। अब लेकिन जब शिकार के लिए चले गया तो कितना माइक्रो सेकंड है, वो तो उसको फील करते हुए उसकी आर्ट से उसकी तरफ गया है ना। क्योंकि इंसान भी झाड़ी में कहीं बैठा होगा या कहीं छुपा होगा या नीचे से घास वास काट रहे होंगे, लकड़ी बिन रहे होंगे। तो देख, वो जब एक बार चले गया है शिकार में, उसने रेस लगा दी है, तो कितना माइक्रो सेकंड बचता होगा कि वो ये चीज़ फील करे, लेकिन तब तक अटैक हो जाता है। हाँ, उसको फिर बाद में फील होता ही होगा कि ये मेरा शिकार नहीं है करके। तो कई बार तो वो खाता भी नहीं है बॉडी को, अगर वो मैन ईटर टाइगर नहीं है तो वो खाएगा भी नहीं, वो मार के अटैक करके चले जाता है। और या फिर क्या होता है कि उसको सोचता है, वो चार पाँच घंटे से आसपास बैठे रहेगा, गले में तो नाखून दांत उसने गाड़े दिए हैं, उसके बाद हो सकता है वो खा दे। लेकिन जंगल के अंदर उसको ये प्रोसेस नहीं पता है ना कि भैया इंसान भी मेरे घर पे आ रहे हैं करके। तो जैसे जो मैन ईटर है, हाँ, तो वो मैन ईटर कैसे बनता है? वो मैन ईटर, देखो जो मैन ईटर टाइगर होता है उसके कुछ कारण होते हैं। एक तो ये होती है कि ओल्ड एज, उसकी उम्र हो गई है, वो अपना जो नेचुरल प्रे है डियर, सांबर, वाइल्ड बोर, उसका शिकार नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत तेज होता है। डियर हो गए, ये हो गए ना, काफ़ी तेज स्पीड होती है इनकी। तो एक तो कारण ये हुआ कि उम्र की वजह से वो नेचुरली हंट नहीं कर पाता है, और दूसरा ये भी रहता है कि कई बार क्या होता है ना, जब वो शिकार करने जाता है, जैसे डियर हो गया, बाकी का हो गया, तो उस टाइम में घायल हो जाता है। तो घायल अवस्था में क्या है कि जो उसको नियरेस्ट, नियर बाई, जो ईजी, अब अपनी जान बचाने के लिए ना टाइगर का क्या है कि खाना है तो ही बचा है वो, अगर खाना नहीं है तो वो मर ही जाना है उसको। तो जो भी चीज़ उसको मिलती है ना, तो उस टाइम में वो उस पर टूट पड़ता है। और कई बार क्या होता है कि जैसे शाही होता है, पॉक्यूपाइन हो गया, ये हो गए, इनके जो कांटे होते हैं ना वो भी चुभ जाते हैं उसको, आँख में, दांत में, फेस में, तो वो भी उसको नेचुरल जो प्रे होता है उसको हंट करने में दिक्कत आती है, उसके कैनाइन टूट जाते हैं किसी और कारण से भी। बाकी वही हो गया ना, बुढ़ापे में दिक्कत आ ही जाती है उसको, बहुत सारी दिक्कत आती है, आंखों में दिक्कत आ जाती है, कैटरेक्ट हो जाता है, देख नहीं पाता अच्छे से। अब हमें नहीं पता ना क्या रीजन है, कुछ भी रीजन हो सकते भाई। अब लेकिन यह है कि आजकल ये देखा जा रहा है कि एकदम यंग टाइगर भी ऐसे इंसानों को मारने लग गए हैं, तो उसका मुख्य कारण वही है कि जैसे दखल अंदाजी हम यहाँ पे देख रहे हैं जंगलों में, है ना, इंसान अंदर तक घुस रहा है, और जैसे अभी विंटर में मेटिंग पीरियड है, वो किसी बाघिन के साथ होगा, है ना, तो उस टाइम में उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग, बाघ पहुँच रहे हैं वहाँ तक, मेटिंग करते हुए वो हट रहा है वहाँ से, या फिर टेरिटोरियल फाइट हो गई, दो टाइगरों में आपस में लड़ाई हो गई, तो ये सारे कारण रहते हैं। जैसे टाइगर ने एक बार कर लिया, जैसे मैन ईटर हो गया एक बार, हाँ, तो वो क्या हमेशा ही मतलब उस वही रहेगा, फिर कभी उसका हंट नहीं करेगा दूसरे एनिमल का? देखो अगर वो कर नहीं पा रहा है, अगर वो उस एज में आ गए कि वो इंसानों को मार पा रहा है और बाकी चीज़ को नहीं मार रहा है, तब तो वो बार बार कोशिश करता है इंसानों के पास जाने की, इंसानों को मारने की। जैसे हमारे पास में चंपावत मैन ईटर हो गया, ये हो गया, जो कि सिर्फ इंसानों को खाता था, लेकिन जो ये यंग टाइगर हैं, जैसे कि ये जंगल में जो अभी ढेला में कांड हुआ था, ढेला में केस हुआ, इनको मारा, तो उससे पहले भी दो तीन बार मार रखा है, लेकिन वो क्या है कि अपना नेचुरल प्रे भी कर रहा है, उसको वैसे शारीरिक रूप से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि मैन ईटर हो गया तो वो नेचुरल प्रे नहीं खाएगा, खाएगा, जो यंग आजकल टाइगर देखे जा रहे हैं वो खाते हैं, वो शिकार भी कर पाते हैं, सब चीज कर पाते हैं, और मौका मिलने में जब उन्हें जंगल में आदमी लोग मिलते हैं तो उनको भी मार के खा लेते हैं। तो ऐसे ही अभी पीलीभीत में भी बहुत सारे केसेस हो रहे हैं,
वहाँ माला रेंजर है एक, तो वहाँ भी जंगल के अंदर जब कोई घुस रहा है तभी वो टाइगर अटैक कर रहा है। जंगल से बाहर नहीं आ रहा, वो बाउंड्री से बाहर लोगों को मारने के लिए, जंगल के अंदर ही, और खा भी दे रहा है वहाँ तो, मतलब आधा आधा धड़ खाया हुआ मिला है, जबली मिला है, बॉडी खाई हुई है आधी। और जो ये यहाँ वाला हुआ है, यहाँ खाया नहीं था। अभी ज़्यादा केस भी बढ़ रहे, एक तो टाइगर की जनसंख्या भी बढ़ी है और दूसरा दखल अंदाजी भी ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब वही है, दोनों चीज़ अपने आप बढ़ते हुए जा रहे हैं ना, इंसान की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, जानवर की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। आगे एक डॉग भी है भाई, लोगों के साथ साथ आगे होगा। बाकी आज के ब्लॉग का हम यहीं पे क्लोज करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से दोबारा। तो यार वो आगे गाड़ी ख़राब सी हो रखी है और वो अंकल खुद ही धक्का मार रहे हैं, खुद ही स्टीयरिंग संभाल रहे, तो हम थोड़ा सा पूछते हैं अगर उनको कुछ मदद कर पाए। अरे अंकल हम मार देते हैं धक्का, धक्के से हो जाएगी स्टार्ट। धक्का मार के स्टार्ट हो जाएगी। चलो जी सवास, आगे ढलान से स्टार्ट होगी। ए सवास गुड बॉय, कम ऑन हमारी गाड़ी में ले, हमारी गाड़ी ना कोई ले जा ले भाई लॉकर की। तो जी अब ढलान तक तो लग गए हम, चलो स्पीड बनने देना। हम एक दो तीन जोर से और जोर से चलो। ओए साढ़ा ही चलो, पीछे आ गए अब तो। अरे कोई नहीं भैया, चलो मेहनत रंग लाई, दिखाई दो कहाँ से धक्का मार के लाए। वो वहां से मारिया हमारी गाड़ी से भी पीछे से। तो जी ये है जी सिस्टम है, लड़के बहुत धांप रहे हो तुम, हैरान हो गए धक्का मार मार के। उनका ये है कि कई बार मतलब प्लेन में भी हमने सेल्फ ट्राई करवाया था धक्का मार के, चार पांच बार रिलीज कर रहा था, स्टार्ट नहीं होती थी, लेकिन डाउन में जब उसने गति पकड़ी ना फिर स्टार्ट हो गई। तो जी यही है फिर, और करते हैं आज के ब्लॉग को क्लोज और मिलते हैं आप लोगों से दोबारा। और जी चैनल में नए आए तो यार सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द। और लाइक और कमेंट और रिकमेंड भी करो कोई चीज़ अगर आपको हमें बतानी है। और देखिए एनालिटिक्स में 17% हमारे जो ऑडियंस है वो देख के जाती है, सब्सक्राइब नहीं करती है, बस हमारे 30% जो लोग हैं उन्होंने सब्सक्राइब करा है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी करो और मिलते हैं फिर जल्द, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, सेव एनिमल्स।